दोस्ती का कारण भी क्या? लंच। दोनों को अपने घर से ज़्यादा एक दूसरे का लंच पसंद आता था। लंच शेयर करते करते ना जाने कब अपने थॉट शेयर करने लगे, पता ही ना चला। और अब ऐसा वक्त आ चुका था कि रघु को राघव का ही साथ पसंद था और राघव को रघु का। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा चैनल क्रैक फैक्ट जेड एक स्पेशल वीडियो आप सबके लिए लेकर आया है, जिसका टाइटल है दोस्ती। दो ऐसे दोस्तों की कहानी जिनके रिश्तों में उतार चढ़ाव आते जाते रहे हैं, रघु और राघव की। दोनों की दोस्ती एक अलग अंदाज में हुई। समय बीता और दोनों बड़े हो गए। रघु ने अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया और राघव ने एक छोटी सी नौकरी तलाश ली। जिम्मेदारियों के बोझ सिर पर आने के बाद दोनों के लिए एक दूसरे का साथ पहले जैसा समय गुजार पाना संभव नहीं था। जब मौका मिलता तो जरूर उनकी होती, लेकिन एक दिन रघु को पता चला कि राघव बीमार है। वह उसे देखने उसके घर चला गया। हालचाल पूछने के बाद रघु वहां अधिक देर नहीं रुक पाया। उसे अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राघव के हाथ में थमाकर चला गया। राघव को रघु का इस व्यवहार का बड़ा बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। ठीक होने के बाद उसने कड़ी मेहनत की और पैसे का प्रबंध करके रघु को पैसे लौटा दिए। कुछ ही दिन बीते कि रघु बीमार पड़ गया। जब राघव को रघु के बारे में पता चला तो वह अपना काम छोड़ के भागा भागा रघु के पास गया। तब तक उसके साथ रहा जब तक वह ठीक नहीं हो गया। राघव का यह व्यवहार रघु को उसकी गलती का एहसास करा गया। वह इमोशनल हो गया। एक दिन वह राघव के घर गया और उससे अपने किए की माफ़ी मांगते हुए बोला, दोस्त, जब तुम बीमार पड़े थे तो मैं तुम्हें पैसे देकर चला आया था, लेकिन जब मैं बीमार पड़ा तो तुम मेरे साथ रहे, मेरा हर तरह से ख्याल रखा। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, मुझे माफ़ कर दो। राघव ने रघु को गले से लगा लिया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, मैं खुश हूँ कि तुम्हें यह एहसास हो गया कि दोस्ती में पैसा मायने नहीं रखता, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और एक दूसरे के प्रति परवाह मायने रखती है। जिस तरह राघव ने रघु की मदद की, उसी तरह हमें भी अपना ईगो साइड रखकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर हमें आपकी कहानी पसंद आती है तो हम अगली वीडियो में आपकी कहानी को फीचर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। एंड वन थॉट फ्रॉम माय साइड, खता मत गिन दोस्ती में कि किसने क्या गुनाह किया है। दोस्ती तो एक नशा है जो तूने भी किया है और मैंने भी किया है।